सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को साफ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के खड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अफजलपुर सांतो में हैंडपम्प खराब होने के कारण यहां रहने वाले नकुल सहित कुल 300 लोगों को पानी के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महेश और यह मेरा समुदाय। हमारे यहाँ समस्या यह है कि हमारा हैंडपम्प जो है हमारे घर पर ही लगा, बाहर घर के बाहर, वो उसमें उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत, आज करीब पाँच साल से ज़्यादा हो गया, खराब है। उसके लिए कई बार हमने प्रयास किया, प्रधान से भी कहा, सेक्रेटरी से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे यहाँ कम से कम 50 लोगों का परिवार है, 50 लोगों के परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती पानी की, और पानी की बहुत बड़ी ज़्यादा समस्या है। और सुबह ना ही बच्चे स्कूल समय से जा पाते हैं, ना ही बच्चे का नहा धो पाते, ना ही खाना पीना हो पाता समय से, और बच्चे अगर स्कूल देर से भी जाते हैं, स्कूल में भी बच्चों को दंडित किया जाता है। ये जो हैंडपम्प है, ये सार्वजनिक है या आपका अपना स्वयं है? सार्वजनिक है, ये सरकारी हैंडपम्प है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये रिबोर हो जाए। हैंडपम्प है, बिगड़ा हुआ है 5 साल से। हैंडपम्प बनवाने के लिए क्या प्रयास किया गया है? अरे प्रधान से कहा, मगर प्रधान आज तक कोई समझे नहीं कहीं ना, तो कहा कहीं जाए। हैंडपम्प खराब होने से क्या दिक्कत हो रही है? पानी की दिक्कत हो रही है। फिर पानी लाते कहाँ से हो? पानी एक दूसरे हैंडपम्प से आता है। कितना दूरी है हैंडपम्प की? अरे वो है कम से कम 4-5 बीघा दूर है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस गांव के हैंडपम्प का जल्द से जल्द रिबोर कराया जाए, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाएँ, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।